गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड आर एक्सरसाइज 1A अप टू क्वेश्चन नंबर 15. ओके, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 50 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे और अच्छी तरह समझ भी लिए थे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जल्दी से अपनी बुक में रीड कीजिए. क्वेश्चन नंबर 16 इज, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7. मतलब हमें वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटा नंबर लिखना है जिसकी सारी डिजिट्स डिफरेंट हों और जो किससे मिलके बना हो, 3, 1, 0, 5 एंड 7 से. ओके, सो अब देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक ओपन कीजिए. अब हमें देखना है कि हमें किस किस डिजिट का यूज़ करना है, 3, 1, 0, 5 एंड 7. तो इसकी स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो होगा स्टूडेंट 1, 0, 3, 5 एंड 7. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे डिजिट्स तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए. मतलब अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनानी है तो स्मॉलेस्ट डिजिट को मुझे पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी डिजिट्स को मैं लिखती जाऊंगी तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा. लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में ये एक डाउट आ सकता है कि मैम, 0 तो 1 से भी छोटा होता है, तो 0 को आपने आगे क्यों नहीं लिखा? 0 को आगे इसलिए नहीं लिखा है स्टूडेंट, अगर मैं 0 को आगे लिखती तो आपकी डिजिट बनती 0, 1, 3, 5, 7. और आप लोगों को पता है कि जब हम 0 को आगे पुट करते हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. तो देखिए, क्या ये 5 डिजिट का बन पाता नंबर? नहीं, ये नंबर 4 डिजिट का ही रह जाता. लेकिन हमें 5 डिजिट्स का यूज़ करना है, इसलिए 0 से भी पहले 1 लगाएंगे, फिर 0 को पुट करेंगे. 0 को हमेशा सेकंड नंबर पर रखा जाएगा. अगर हमें 5 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट, जो भी क्वेश्चन पूछता है वो डिजिट नंबर बनाना है. तो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही कॉमन है, आपको समझ आ गया होगा, है ना. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6, 9. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, इसलिए आपने सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस ऑर्डर में डिजिट्स को प्लेस किया था. लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 इज़ जस्ट अपोजिट टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर, है ना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है ये भी. लार्जेस्ट नंबर, इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो आप इन नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे जिससे कि आपका लार्जेस्ट नंबर फॉर्म हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स. तो देखिए क्या क्या डिजिट्स हैं आपकी. सबसे डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा, दैट इज़ 9, 6, 4, 3, 2, 0. So it will be your largest number formed by using these digits. Okay? Question number 7 भी बहुत simple था students, आप लोगों को समझ आ गया होगा. Now come to question number 18. देखिए student, question number 18 में क्या दिया है. Rewrite each of the following numerals with proper commas using the international place value chart. Also write the number name of each in the international system. तो students, question number 18 को solve करने से पहले मैं आपको समझाती हूँ Indian system and international place value system.
First, we'll learn about Indian place value system. ये क्या होता है स्टूडेंट? जैसा कि आपको पता है कि अपने इंडियन सिस्टम में जो यूनिट डिजिट होती है, मतलब राइट हैंड से पीछे की तरफ से जो पहली वाली डिजिट होती है उसको वंस बोला जाता है, फिर उसके बाद टेंस, फिर हंड्रेड्स और फिर आ जाता है कॉमा, ठीक है, फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड, फिर से कॉमा, फिर लैख, टेन लैख, फिर से कॉमा, फिर करोड़, टेन करोड़। इस तरीके से आगे की तरफ संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो ये होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसको पीछे की तरफ से हमेशा पढ़ते हैं और फर्स्ट थ्री डिजिट छोड़ के कॉमा आएगा, फिर टू टू डिजिट्स छोड़ के, मतलब जब हंड्रेड का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा तो कॉमा आएगा, फिर थाउजेंड और टेन थाउजेंड का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा फिर कॉमा आएगा, फिर लैख और टेन लैख का स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा फिर कॉमा आएगा। इस तरीके से आगे चलता रहता है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, ठीक है। ये होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसी तरीके से एक होता है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें क्या होता है? जैसे अपने इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़, टेन करोड़, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, कॉमा, बिलियन, टेन बिलियन एंड हंड्रेड बिलियन, कॉमा। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड का स्लॉट कंप्लीट, कॉमा, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड का स्लॉट कंप्लीट, कॉमा, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, मिलियन का स्लॉट कंप्लीट, कॉमा। जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में थ्री डिजिट फिर उसके बाद टू टू डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है, ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में थ्री थ्री डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक जो बेसिक डिफरेंस होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, वो ये है कि जैसा कि इनका नाम डिनोट कर रहा है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये इंडियन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है ये ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में फॉलो हो सकता है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम सिर्फ इंडिया में फॉलो होगा, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इंडिया के साथ साथ अदर कंट्रीज़ में भी फॉलो होता है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तो इस तरीके से अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड व्हाट इज़ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। ओके।